सो गाइस 60,000 रुपये में गेमिंग लैपटॉप ले पाना काफ़ी इजी टास्क बन जाता है अगर मैं आपको ऐसे लैपटॉप्स लेकर आके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आज के लिस्ट में कुछ ऐसी लैपटॉप्स इंक्लूड किया जहाँ आपको लेटेस्ट प्रोसेसर विद RTX 3050 का ग्राफिक्स कार्ड एंड इससे भी बेटर बेटर डील्स देखने को मिलेंगे। सभी का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से आप काफ़ी इजिली चेकआउट कर सकते हो। लैपटॉप का लिस्ट काफ़ी झकास है एंड अगर आप इसको मिस करते हो तो बाद में रिग्रेट करोगे। तो ये गाइस बात करते हैं इन्हीं लैपटॉप्स के बारे में इन डिटेल्स। सो गाइस पहले लैपटॉप के बारे में बात करेंगे हमारे 60,000 रुपीज़ के गेमिंग लैपटॉप वाले लिस्ट में, तो यहाँ पे लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 आता है जहाँ पे आपको राइजन 5 का 6600H सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है। सो गाइस प्रोसेसर लेटेस्ट है एंड यहाँ पे एच सीरीज है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी आपको इसमें डिस्प्ले देखना है तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी मिलती है, फुल एच डी IPS 120Hz का डिस्प्ले है 15.6 इंच का, तो डिस्प्ले भी अच्छी है। एक गेमिंग लैपटॉप में डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए विद गुड रेस्पॉन्स टाइम, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा वो। बाकी 8GB रैम 512GB की SSD, तो यहाँ पे लैपटॉप खरीदने के बाद यू हैव टू एक्सपेंड इट, तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से इजीली इसको एक्सपेंड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे NVIDIA का RTX 3050 का 4GB का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, तो आपको इससे नीचे तो नहीं खरीदना है, कंसिडर मत करना, आपको 3050 या फिर उससे ऊपर ही खरीदना है। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो वही सेम लैपटॉप है और यहाँ पे 16GB की रैम के साथ में आता है एंड प्राइस देखो तो 60,000 रुपीज़ है .60,000। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको इसको कंसीडर करना चाहिए ना कि प्रीवियस वाला, क्योंकि वहाँ पे आपको 8GB वाला रैम मिलता है, तो यहाँ पे 8GB आपके लिए कम पड़ सकता है अगर आपको काफ़ी अच्छे से गेमिंग करना है अपने लैपटॉप में, तो आप इसको कंसीडर करना। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस HP का विक्टिस है। सो गाइस HP के विक्टिस में यहाँ पे आपको राइजन 5 का 5600H देखने को मिलता है, प्रीवियस वाला लेटेस्ट था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लोअर वर्जन मिल जाता है, मतलब कि थोड़ा सा ओल्डर वर्जन आप कह सकते हो, बट परफॉर्मेंस में ज़्यादा कमी नहीं है। यहाँ पे आपको भी 16 इंच मतलब 15.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और 8GB रैम 512GB की SSD है, यहाँ पर भी RTX 3050 का ग्राफिक्स कार्ड है और यहाँ पर डिस्प्ले में आपको और अच्छा रेस्पॉन्स टाइम मिलेगा क्योंकि यहाँ आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। सो आपको डिसाइड करना है आपको HP पसंद है या लेनोवो, दोनों ही बेस्ट ब्रांड है। नेक्स्ट ऑप्शन गाइज यहाँ पे आपको अमेजोन के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे एसर का एस्पायर 7 को आप कंसीडर कर सकते हो जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, इंटेल कोर i5 12 जनरेशन का 12450H सीरीज़ का प्रोसेसर। सो आपको पता है H सीरीज़ का प्रोसेसर इंटेल के सेगमेंट में सबसे टॉप मोस्ट सीरीज़ होता है, तो यहाँ पे H सीरीज़ आपको बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर देंगे और यहाँ पे आपको 16GB की रैम भी देखने को मिल रही है और वही RTX 3050 का ग्राफिक्स कार्ड भी है और डिस्प्ले भी अच्छा है, 144Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो रेस्पॉन्स टाइम भी अच्छी देखने को मिलेगी और इस लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्टर्डी देखने को मिलता है, तो अच्छा आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलेगा, साथ ही बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे गेमिंग के वक्त जब आप ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा भी हो जाओ ना तो ये लैपटॉप आराम से झेल जाएगा। तो यहाँ पे 15.6 इंच का डिस्प्ले के साथ में ही आता है, तो इसको कंसीडर करना, लिंक मैं आपको सबका डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस एसर का एस्पायर 5, उसका छोटा वाला भाई, और जैसा कि मैंने आपको बताया RTX 2050 मतलब 3050 से नीचे कंसीडर नहीं करना है, तो आप इसको कंसीडर मत करो। अगर आपको एक प्रोफेशनल यूज़ के लिए लैपटॉप चाहिए तब ये ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा कि आपको RTX 2050 का ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है 4GB का, तो आप इसमें कुछ अच्छे एडिशनल काम कर पाओगे, जैसे कोडिंग बढ़िया से हो जाएगा, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी आप इसमें मिनिमल लेवल का कर सकते हो, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर गेमिंग के लिए चाहिए तो आई वुड सजेस्ट 3050 ही लेना या फिर उससे ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस आपको एसर का क्रिएटर सीरीज़ मिल जाता है, जहाँ पे आपको क्रिएटर सीरीज़ का मतलब कि आप इसमें काफ़ी अच्छे क्रिएटर लेवल वाले काम कर सकते हो। अगर आप यूट्यूबर हो तो आपके लिए लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, अगर आप एक ऐप डेवलपर हो तो ये लैपटॉप आपके लिए अच्छा है, कोडिंग वगैरह के लैपटॉप काफ़ी अच्छा है और गेमिंग भी आप कर सकते हो थोड़ा सा कम लेवल वाला, क्योंकि यहाँ पे 2050 का ग्राफिक्स कार्ड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मिक्सचर ऑफ यूज़र्स होते हैं ना, जिनको थोड़ा बहुत सब कुछ करना है, वो इनके लिए वो ये ले सकते हो और यहाँ पे स्टूडेंट के लिए काफ़ी परफेक्ट सूटेबल लैपटॉप है ये। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस वही सेम लैपटॉप और यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट बता रहा हूँ, यहाँ पे 16GB की रैम वगैरह है, तो आप इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस HP का विक्टिस आता है एंड यहाँ पर भी सेम प्रोसेसर है, तो वो प्रीवियस लैपटॉप का ये ऑल्टरनेट ऑप्शन बन सकता है, 16GB की रैम के साथ में आता है, तो इसको भी आप देख सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी लैपटॉप, सो यू कैन चेक आउट काफ़ी ईजिली। सो बस गाइस मैंने आपको सारे लैपटॉप्स तो बता दिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, तो फटाफट जाके चेकआउट करो, वेट क्या कर रहे हो, सब बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही, वीडियो पसंद है जरूर से लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।